बैक लर्नर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बिजनेस एथिक्स को डिस्कस करूंगी। बिजनेस एथिक्स क्या होता है, चलिए जानते हैं। ना बिजनेस एथिक्स को जानने के पहले एथिक्स क्या होता है ये चीज़ को जानना ज़रूरी है। बिजनेस एथिक्स में दो शब्द हैं, बिजनेस और एथिक्स। बिजनेस क्या है ये अभी तक आप लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे, बट ये एथिक्स क्या होता है पहले इसको समझते हैं। एथिक्स को हिंदी में कहते हैं विचार, विचार या सोच। आप कैसा सोचते हैं ये आपका एथिक्स बताता है, आपकी मोरल वैल्यूज़, आपकी सोच कैसी है, आपकी विचार कैसी है, ठीक है, ये आपका एथिक्स बताता है। एथिक्स इज सेट टू बी द साइंस ऑफ कंडक्ट। आपकी जैसी सोच होगी आप अपनी चीज़ों को उसी तरह से हैंडल करेंगे, आप अपने प्रॉब्लम्स को उसी तरह से हैंडल करेंगे। इट इन्वॉल्व्स सिस्टमेटाइजिंग, डिफेंडिंग एंड रिकमेंडिंग कंसेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग बिहेवियर। हमारा एथिक्स हमें ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम अपनी सोच से किसी कंक्लूजन पे यही आते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं या सामने वाला जो भी कर रहा है वो क्या वो सही है या फिर वो गलत है। तो ये सही और गलत का डिसीज़न, ट्रू फॉल्स का डिसीज़न, राइट रॉन्ग का डिसीज़न, ये हमारे मोरल वैल्यूज़ करते हैं, हमारे एथिक्स करते हैं। मोरल वैल्यूज़ हम सब ने बचपन से पढ़ा है, जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को देर तक नहीं जगना चाहिए, बड़ों की हेल्प करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, नीडी पर्सन की हेल्प करनी चाहिए, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं ये जो हमारी एथिक्स में आती हैं, हमारे मोरल वैल्यूज़ में आती हैं, जो हमने अपने बचपन से पढ़ा है। ना अब ये बिज़नेस एथिक्स क्या है, जब आप एथिक्स जानते हैं और बिज़नेस को जानते हैं, अब आप एथिक्स भी जान गए, तो जब एथिक्स को बिज़नेस में इंक्लूड कर दिया जाता है तो वो बिज़नेस एथिक्स होता है। माने जब एथिक्स को, जब अपनी मोरल वैल्यूज़ को आप बिज़नेस में ले आते हैं, जो कि बिसाइड लॉ है, जो कि लॉ में इंक्लूड नहीं है, जब आप अपनी मोरल वैल्यूज़ को बिज़नेस में ले आते हैं तो वो बिज़नेस एथिक्स होता है। अब लोग कहेंगे बिज़नेस तो लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, बट नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लॉ में तो मेंशन नहीं है, बिज़नेस लॉ में तो मेंशन नहीं है, बट फिर भी एक बिज़नेसमैन के लिए वो सारी चीज़ें फॉलो करना ज़रूरी होता है। जैसे अपने कस्टमर के लिए ऑनेस्ट होना, अपने कस्टमर को एक्सीलेंस प्रोवाइड करना, अच्छी फैसिलिटी, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसको जो भी हम एश्योर्ड कर रहे हैं कि हमारे इस प्रोडक्ट में ये चीज़ें हैं, वो सच में उस प्रोडक्ट में हो, उस प्रोडक्ट की रीज़नेबल प्राइस होना, ठीक है, तो ये सब कुछ एथिक्स होते हैं एक बिज़नेसमैन के लिए, जो कि उसको अपने बिज़नेस में इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिजनेस एथिक्स इज़ अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक्स दैट एग्जामिन्स एथिकल प्रिंसिपल्स एंड मोरल और एथिकल प्रॉब्लम्स that can arise in a business environment. ये applied ethics होता है। Applied ethics means कि जो भी ethics है, जब हम उसको अपने behavior में apply करते हैं, अपने हम जब behavior में लाते हैं, एक होता है बस किताबों में पढ़ लेना कि अच्छा ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बट जब हम उसको अपने बिहेवियर में लाते हैं, अपने जीवन में लाते हैं, जब हम उसका पालन करते हैं, तो वो कहलाता है अप्लाइड एथिक्स। उसको जब हम प्रैक्टिकल वे में यूज़ करते हैं, जब हम उसका पालन करते हैं, ठीक है, तो जब इस एथिक्स का पालन हम बिज़नेस में करते हैं, बिज़नेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बिज़नेस के इन्वॉल्वमेंट को और अच्छा बनाने के लिए, तो वो बिज़नेस एथिक्स कहलाता है, ठीक है। These norms, values, ethical and unethical practices are the principle that guide a business. ये जो सारे ethical या non-ethical principles हैं, जो भी हमारे ethics के under आते हैं, ये क्या करते हैं, ये किसी भी business को guide करते हैं, help करते हैं उनको more efficiently run करने में। जैसे for example, एक दो businessmen हैं, दोनों की प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बट एक की मोरल वैल्यूज़ अच्छी नहीं है, एक की मोरल वैल्यूज़ बहुत अच्छी है। एक बिजनेसमैन चाहता है कि हम अपने कस्टमर को अच्छी सी अच्छी चीज़ दे सके,
और उसका रीजनेबल प्राइस उससे ले सके। प्रॉफिट तो दोनों बिजनेसमैन को कमाना होता है, बट एक होता है कि एक रीजनेबल प्राइस। बट एक बिजनेसमैन चाहता है कि हम रातों रात अमीर हो जाएं, कस्टमर को क्या दे रहे हैं उससे मतलब नहीं है, बस उसको पैसे कमाने हैं। वो झूठ फरेब कुछ भी करके बस पैसे कमाना चाहता है, तो उसका बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। क्योंकि जब एक समय के बाद जब कस्टमर समझने लगेंगे कि नहीं, ये बिज़नेस तो फ्रॉड है, ये गलत चीज़ें बताकर गलत प्रोडक्ट्स को बेचता है, तो एक समय के बाद उसके कस्टमर्स दूर जाने लगेंगे, उससे उसके प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना प्रेफर नहीं करेंगे। बट वहीं अगर एक बिजनेसमैन है जो कि अपने कस्टमर के प्रति लॉयल है, लॉयल्टी शो करता है, अपने कस्टमर को वो भगवान समझता है, वो उनकी नीड्स को पूरा करता है, उनके सेहत का भी ध्यान रखता है, तो इस तरह से गलत केमिकल्स नहीं यूज़ करता है कि उनके हेल्थ को इफ़ेक्ट पड़े, और भी बहुत सी चीज़ें वो जो भी एश्योर कर रहा है कि हाँ हमारे प्रोडक्ट्स में है। और अगर कुछ ख़राब चीज़ें कुछ वो यूज़ कर रहा है, अगर वो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स यूज़ भी कर रहा है, तो वो अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट में या अपने प्रोडक्ट के पैकेजिंग पे साफ साफ शो करे कि हाँ ये चीज़ बच्चों के लिए नहीं है, या ये चीज़ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं है। तो इस तरह से अगर वो बताए अपने कस्टमर को, फुल इन्फॉर्मेशन दे उसकी प्रोडक्ट जिस चीज़ से भी रिलेटेड है, जो भी वो सर्व कर रहा है इकोनॉमी में, तो लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि हाँ ये कंपनी या ये ब्रांड भरोसे वाली है, ये गलत चीज़ें नहीं बेचेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये आप अपना इस बिज़नेस ने अपनी एथिकल वैल्यू बनाई हुई है बिज़नेस में, सॉरी मार्केट में, उसने अपनी एक एथिकल वैल्यू मार्केट में बनाई हुई है। लोग उसके पास ज़्यादा आएंगे, क्यों? क्योंकि वो अपने कस्टमर को अच्छे फैसिलिटीज़ देता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है, और उनसे पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं ऐंठता है। अब कुछ एथिक्स के बारे में जानते हैं जो कि एक बिजनेसमैन में होना ज़रूरी है, एक बिज़नेस को इफ़िशियंटली रन करने के लिए, लॉन्ग रन तक चलाने के लिए। एक बिजनेसमैन में कुछ एथिक्स जो बहुत ही नेसेसरी हैं। करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट, उस जो वो जो भी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, भले वो खाने के आइटम्स हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो या फिर कुछ भी डेली यूज़ के कोई भी आइटम्स हो या कोई भी आइटम हो, वो उसको अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन देने चाहिए। जो भी वो चीज़ें यूज़ कर रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने में, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, फुल इन्फॉर्मेशन उसको अपने पैकेजिंग पे देना चाहिए। उसके प्राइस, उसकी एक्सपायरी डेट, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड इन द पैकेजिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, ताकि कस्टमर को पूरा इन्फॉर्मेशन हो, अगर कोई कस्टमर की प्रॉब्लम होती है तो वो उसकी क्वेरी को भी सॉल्व कर सके, ताकि कस्टमर अपनी बात को रख सके और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उसके प्रोडक्ट को, अगर उसके लिए हेल्पफुल है तो वो खरीद सके। सेकेंड चीज़ है फ्री टू चॉइस फॉर द कस्टमर्स। कस्टमर्स हमेशा फ्री होने चाहिए उसके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, माने वो फ्री हो कि वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे या नहीं इस डिसीज़न को लेने में। ठीक है, जैसे ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करना चाहिए कि नहीं आपको मेरे प्रोडक्ट्स लेने ही पड़ेंगे, देयर शुड बी नथिंग लाइक दिस। ओके, वो खरीदे या ना खरीदे उनकी मर्जी, लेकिन एक बिजनेसमैन को किसी भी कस्टमर को बार बार फोर्स नहीं करना चाहिए कि नहीं आप मेरे प्रोडक्ट्स को लीजिए, मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, आप मेरे प्रोडक्ट्स को लीजिए, मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा। नहीं, उनकी मर्ज़ी होगी वो लेंगे, उनकी मर्ज़ी नहीं होगी वो नहीं लेंगे। आपका काम है अपने प्रोडक्ट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देना, उसके बाद उनकी इच्छा वो ले या ना ले, उनको फोर्स नहीं करना है। थर्ड वन इज एश्योर्ड क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस। अगर आपसे कोई बिजनेस, कोई ब्रांड प्राइस तो बहुत ज़्यादा ले ले, ठीक है, बट क्वालिटी नहीं दे, एक बार तो आप परचेज कर लेंगे कि अच्छा महंगी चीज़ है तो अच्छी होगी ही, बट जब आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये जो वादा कर रही है, ये प्रोडक्ट जो वादा कर रही है, वैसा वो चीज़ आउटकम नहीं दे रही है, तो आप क्या करेंगे, अगली बार से उसको परचेज नहीं करेंगे। क्योंकि हम सुनते हैं ना ये बात कि हर महंगी चीज़ अच्छी नहीं होती, वो आपसे पैसे ऐंठ रहे होते हैं, वो आपसे
इलीगल तरीके से, या वो आपसे ज़्यादा पैसे ले रहे होते हैं, वो आप अपने प्रोडक्ट का फुल डिटेल्स ना दे करके या झूठे वादे करके आपसे वो पैसे ले रहे होते हैं। बट वहीं अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि रीजनेबल प्राइस भी ले रहा है और आपको अच्छी क्वालिटी भी दे रहा है, तो आप उसको बार बार खरीदोगे, बार बार खरीदोगे और उसको हमेशा यूज़ करोगे। तो इस तरह से ये तीन वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ जो मेन बिजनेसमैन के अंडर होनी चाहिए। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ये तो तीन वैल्यू कस्टमर के प्रति हो गई ना, और भी उसको अपने एम्प्लॉय के प्रति भी रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय से गलत बिहेवियर कर रहे हो, एम्प्लॉय के साथ कुछ फ्रॉड या फिर उनकी सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे हो, उनसे अच्छे से बातें नहीं कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब बिजनेस एथिक्स के ही अंडर आता है। रिलेशनशिप, उनके कस्टमर से कैसे रिलेशनशिप है, उनके अपने एम्प्लॉयज़ से कैसे रिलेशनशिप है, उनके अपने सप्लायर्स से कैसे रिलेशनशिप है, ठीक है, तो सबसे अच्छी रिलेशनशिप भी होनी चाहिए। फिर बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा है अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, अपने कस्टमर के प्रति, अपने सप्लायर्स के प्रति। ट्रस्ट, जो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर कोई भी बिजनेस, कोई भी ब्रांड आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट जो भी वो बेच रहा है, अच्छी के साथ साथ सही इन्फॉर्मेशन देता है, भले वो हार्मफुल चीज़ें भी अगर यूज़ कर रहा हो, तो ही शुड मैंशन दैट प्रोडक्ट वट एवर ही इज़ यूजिंग इन द पैकेजिंग। उसके बाद अगर वो आपको फ्री है, फ्री कर रहा है चॉइस करने के लिए, फोर्स नहीं कर रहा है, अश्योर्ड क्वालिटी दे रहा है एट रीजनेबल प्राइस, तो ट्रस्ट अपने आप बिल्डअप होगा एज अ कस्टमर उस ब्रांड के प्रति, ठीक है। एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे। हमने पढ़ा था कि बिजनेस का मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, एक टाइम पे वो सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी उसको सोचना चाहिए, क्या हम सोसाइटी को हार्म तो नहीं पहुंचा रहे अपने प्रोडक्ट के ज़रिए, ठीक है। ये बात भी बिजनेसमैन को ध्यान में रखना चाहिए, ये उसके एथिक्स होने चाहिए, उसकी मोरालिटी, उसकी रिलायबिलिटी यानी उसकी विश्वसनीयता। जो भी तुम बता रहे हो हम कैसे विश्वास करें, क्या तुम अच्छे अच्छे ब्रांड हो, उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए मार्केट में, एक रिलायबिलिटी होनी चाहिए ताकि लोग उस पर विश्वास कर सकें। और चॉइस, तो इस तरह से कुछ एथिक्स होते हैं जो कि एक बिजनेस में होने बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये हमारा लॉ नहीं बताता है कि इस तरह से ये एथिक्स होने चाहिए। ये कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें होती है जो कि एक बिजनेस में ज़रूरी है होना, हालांकि ये लॉ नहीं बताता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।